सबसे फर्स्ट पे क्यों आ रहा है जबकि इसमें 14 लाख व्यूज है, ये सबसे फर्स्ट पे आना चाहिए, तो यहाँ पे क्यों आ रहा है फ्रेंड। और मैं नीचे आता हूँ, अब यहाँ पे देखते हैं बहुत सारा है, यहाँ पे देखते हैं बहुत सारा वीडियो है, तो ये फर्स्ट पे क्यों आ रहा है जबकि इसमें व्यूज ज़्यादा नहीं है, 1 लाख है। हेलो एवरीवन, तो आ गया मैं फिर एक नए वीडियो के साथ, आप सभी का हमारे चैनल पर स्वागत है। दोस्तों आज हम बात करने वाले हैं कि बहुत सारे लोगों का माई फर्स्ट ब्लॉग तुरंत वायरल हो जाता है, मतलब एक वीडियो वो अपलोड करते हैं और तुरंत उनके वीडियो पर 2 लाख 4 लाख 10 लाख व्यूज आ जाते हैं, मतलब 2 दिन में 3 दिन में, वो भी एक फर्स्ट ब्लॉग फर्स्ट वीडियो अपलोड करने से। तो ऐसा क्यों? और बहुत सारे लोग ऐसे हैं जो 10-10, 20-20 वीडियो अपलोड कर देते हैं, 100-100 वीडियो अपलोड कर दिए फिर भी उनके वीडियो पर 1000 व्यूज़ नहीं आते हैं, 100-200 व्यूज़ बराबर नहीं आते। ऐसा क्यों होता है? जो ये माई फर्स्ट ब्लॉग वायरल होता है ये कैसे होता है, ये इसमें क्या ट्रिक यूज़ किया जाता है, इसमें क्या टाइटल, इसमें क्या थंबनेल यूज़ किया जाता है, इस वीडियो में मैं आपको पूरा एक्सप्लेन करूंगा। तो वीडियो के एंड तक बने रहिए, वीडियो को स्टार्ट करते हैं। उससे पहले छोटी सी रिक्वेस्ट है कि अगर आप हमारे चैनल पर नए हैं तो प्लीज़ सब्सक्राइब जरूर कर लें ताकि आने वाली वीडियो की नोटिफिकेशन आप तक पहुँचते रहे। हम चलते हैं मोबाइल के स्क्रीन पर और स्टेप बाय स्टेप आपको बताते हैं। तो फ्रेंड यहाँ पे सिंपली मैं करता क्या हूँ, यूट्यूब को अपने ओपन कर लेता हूँ, वीडियो को ध्यान से देखना है, वीडियो को स्किप बिल्कुल भी मत करना। अब यहाँ पे मैं जो कुछ बताता हूँ जेन्युइन तरीके सही तरीके से बताता हूँ फ्रेंड, जो कुछ भी बताऊँगा मैं आपका जो डाउट है वो क्लियर हो जाएगा। अभी की माई फर्स्ट ब्लॉग 1-2 दिन में वायरल हो जाता है वो कैसे होता है, क्या उसमें टाइटल यूज़ किया जाता है, ऐसा कुछ नहीं, टाइटल डिस्क्रिप्शन उससे कोई बेनिफिट नहीं मिलता उनको। अब यहाँ पे मैं आपको बताऊंगा कि कैसे वो वीडियो वायरल होता है जो 2-3 दिन में 4 दिन में वायरल हो जाता है। बहुत सारे लोग कहते हैं टाइटल में ऐसा डाल दो, डिस्क्रिप्शन में डालने से हो जाता है, वो मैं बताता हूँ कि टाइटल डिस्क्रिप्शन का कमाल नहीं, वो दूसरा कुछ कमाल है। यहाँ पर मैं आपको दिखा देता हूँ, यहाँ पे मैं सर्च करता हूँ माई फर्स्ट ब्लॉग, यहाँ पे माई फर्स्ट ब्लॉग यहाँ पे मैंने सर्च कर दिया फ्रेंड। सर्च करने के बाद में फ्रेंड अब यहाँ पे देख सकते हैं ये जो फर्स्ट पे आ रहा है, तो यहाँ पे देखते हैं माई फर्स्ट ब्लॉग सेम यहाँ पे देखते हैं ऐड, यहाँ पे दिखा रहा है ऐड, सबसे फर्स्ट वाला देख सकते हैं आप, यहाँ पे दिखा रहा है ऐड। अब ये क्या है, ऐड क्या है मैं आपको बताऊँगा अभी आगे कि ये ऐड क्या है। तो सिंपली इस वीडियो पर मैं क्लिक करता हूँ, क्लिक करने के बाद में फ्रेंड अब यहाँ पे देखते हैं 1 महीने में 1 लाख मतलब व्यूज़ इस पर आए हैं। तो इस पर मैं सिंपली इनके चैनल पर जाता हूँ, किसी का भी चैनल है, मुझे नहीं पता किसका चैनल है क्योंकि मैंने सर्च किया माई फर्स्ट ब्लॉग। उसके बाद में फ्रेंड अब इनके वीडियो पे चला जाता हूँ, जाने के बाद में 1 दिन में 85 व्यूज़ आए, उसके बाद में 7 दिन में, उसके बाद में यहाँ पर देखते हैं किसी पर 1000, यहाँ पर देखते हैं किसी पर 17 मतलब 18-20 ऐसा व्यूज़ आए, यहाँ पर देख सकते हैं, मतलब यहाँ पर देख सकते हैं। और इनका वीडियो सर्च में इतना नंबर पर क्यों आ रहा है, यहाँ पर मैं दिखा सकता हूँ कि इन्होंने टाइटल डिस्क्रिप्शन कुछ लगाया ज़्यादा, यहाँ पे देख सकते हैं इन्होंने बहुत सारा कुछ लगाया है, लेकिन यहाँ पे सर्च क्यों आ रहा है? अगर आप भी लगाएंगे तो आपका नहीं आएगा नंबर 1 पर, ये मैं लिख के देता हूँ, जल्दी नहीं आएगा, हो सकता है किसी किसी का आ जाए लेकिन सबका नहीं आएगा। लेकिन इनका जो है सबसे फर्स्ट पे क्यों आ रहा है जबकि इसमें 14 लाख व्यूज़ है, ये सबसे फर्स्ट पर आना चाहिए, तो यहाँ पर क्यों आ रहा है फ्रेंड। और मैं नीचे आता हूँ, अब यहाँ पर देखते हैं बहुत सारा है, यहाँ पर देख सकते हैं बहुत सारा वीडियो है, तो ये फर्स्ट पर क्यों आ रहा है जबकि इसमें व्यूज़ ज़्यादा नहीं है, 1 लाख है और बाकी 2 लाख 10 लाख 15 लाख व्यूज़ है। तो दोस्तों ये जो गूगल ऐड इसको कहा जाता है, यहाँ पे इसे ऐड लगा हुआ है, इसको गूगल ऐड कहा जाता है। अब ये है क्या फ्रेंड, इससे क्या होता है कि कोई भी वायरल कर सकता है, आप भी वायरल कर सकते हैं, मैं भी वायरल कर सकता हूँ इसमें लगा के। अब इसमें कैसे लगाते हैं फ्रेंड, इसका रूल्स ऐसा है कि आपको पैसा देना होता है, मतलब गूगल ऐड का मतलब ये होता है कि कंपेन चलाना होता है अपने चैनल पर, अपने वीडियो पर, तो उस वीडियो में गूगल ऐड लगाना पड़ता है। आप जितना पैसा देंगे यूट्यूब को उतना ही व्यूज़ आपके वीडियो पर आएंगे, जितना पैसा देंगे मतलब YouTube को खुद पैसा देना पड़ता है, और यहाँ पे आपके वीडियो को नंबर 1 पे लाएगा, कहीं ना कहीं आपके वीडियो को सजेशन में डालेगा, किसी न किसी तरीके से आपके वीडियो पर व्यूज़ आएंगे। जैसा अगर आपने 1000 रुपया दिया और उसमें 1 लाख व्यूज़ का या 5 लाख व्यूज़ का उसमें दिया कि मतलब 5 लाख व्यूज़ मिलेंगे, तो आपको 5 लाख व्यूज़ मिल के रहेंगे चाहे एक ही वीडियो आप अपलोड करेंगे, चाहे एक ही वीडियो अपलोड करें या दो वीडियो अपलोड करें। तो ये माई फर्स्ट ब्लॉग जो वायरल हो रहा है लोग ज़्यादातर गूगल ऐड में यूज़ करते हैं और एक वीडियो अपलोड करते हैं उसमें गूगल ऐड लगा देते हैं और उनके वीडियो पर जो है लाखों 2 लाख 10 लाख व्यूज़ आ जाते हैं और लोगों को बहुत सारे लगता है कि मतलब इन्होंने क्या डिस्क्रिप्शन क्या टाइटल यूज़ किया इतना जल्दी वायरल हो गया। तो इसमें गूगल ऐड का कमाल है फ्रेंड। अगर आप भी एक नया चैनल बनाएंगे और उसमें फर्स्ट ब्लॉग डाल के और गूगल ऐड यूज़ करके अगर वायरल कराएंगे तो आपका 100% 10 लाख नहीं 20 लाख आ सकता है अगर आप पैसे देंगे। तो दोस्तों इसमें जो अभी वायरल हो रहा है वो गूगल ऐड के जरिए से ज़्यादातर यूज़ कर रहे हैं लोग। आप भी कर सकते हैं, आपका पुराना चैनल है तो भी कर सकते हैं, नया चैनल है तो भी कर सकते हैं, लेकिन हाँ आपको ये ध्यान रखना है कि आपका कंटेंट सही होना चाहिए, आपका थंबनेल सही होना चाहिए। आपका कंटेंट और थंबनेल सही रहेगा तो आपके वीडियो को लोग देखेंगे, कंटेंट सही रहेगा तो आपके चैनल को सब्सक्राइब करेंगे, लेकिन एक ही वीडियो वायरल होगी। गूगल ऐड से अगर आप कंपेन चलाएंगे तो एक वीडियो वायरल होगी जिस पर चलाएंगे, ऐसा नहीं कि सब वीडियो वायरल होगा। अगर आपका कंटेंट सही रहेगा तो लोग आपके चैनल को सब्सक्राइब कर लेंगे, अगर 4 लाख लोगों ने देखा
तो हो सकता है कि आपके चैनल को 10-20 हज़ार लोग सब्सक्राइब कर लें। अगर सब्सक्राइब कर लिए तो आप नेक्स्ट वीडियो थर्ड वीडियो डालेंगे तो उन तक नोटिफिकेशन जाएगी, अच्छा कंटेंट रहेगा तो वो लोग देखेंगे। तो दोस्तों माय फर्स्ट ब्लॉग इसी तरीके से वायरल करते हैं और टाइटल डिस्क्रिप्शन भी डालते हैं, लेकिन ज़्यादातर जो है नए यूट्यूबर जो है फर्स्ट जो एक ही वीडियो डाल के वायरल कर लेते हैं वो गूगल ऐड से ही मैक्सिमम वायरल कराते हैं। दोस्तों अगर आप कमेंट करेंगे कि गूगल ऐड पर कैसे वीडियो लगाया जाता है, उस पर पैसा कैसे दिया जाता है, उस पर व्यूज़ कैसे लाया जाता है, तो मैं इस पर भी वीडियो बना दूंगा अगर आप कमेंट करेंगे तो इसमें गूगल ऐड का जो ज़्यादा कमाल है, क्योंकि एक वीडियो बहुत सारे लोग 100-100 वीडियो अपलोड कर दिए उनका वीडियो नहीं वायरल हो रहा है, लेकिन एक वीडियो कोई अपलोड करता है उनका वायरल हो जाता है तो वो सोचते रहते हैं कि मतलब क्या मतलब इन्होंने ट्रिक यूज़ किया है। तो ज़्यादातर मैक्सिमम लोग जो है गूगल ऐड यूज़ करते हैं और उनका वीडियो वायरल हो जाता है, वो कुछ भी वीडियो डाल देंगे लेकिन वो यूट्यूब का काम यही होता है कि उसने पैसा लिया है तो उस तक उतना व्यूज़ बढ़ाएगा। जैसा आपने 1 लाख व्यूज़ का पैसा दिया है तो 1 लाख व्यूज़ आके रहेंगे आपकी वीडियो को, कुछ भी हो जाए। आपकी डाउट भी क्लियर हो गया होगा कि माय फर्स्ट ब्लॉग जो वायरल कैसे कर लेते हैं, इसमें क्या ट्रिक लगाना पड़ता है, लेकिन इसमें टाइटल डिस्क्रिप्शन अच्छे से लगाएंगे तो और बेटर है। सब पूरी बात आपको समझ में आई होगी। दोस्तों उम्मीद है कि वीडियो पसंद आई होगी। अगर वीडियो पसंद आई हो तो लाइक और सब्सक्राइब जरूर कर लें ताकि आने वाली वीडियो की नोटिफिकेशन आप तक पहुँचती रहे। आपके मन में कुछ भी सवाल है, अगर आपका कुछ भी क्वेश्चन है तो कमेंट बॉक्स में जरूर करें, मैं उसका जवाब जरूर दूंगा फ्रेंड।